उनकी मौत हुई किसी को नहीं पता कैबिन बी थ्री फोर्टी एंड ये इतना ज्यादा क्रिपी है कि कोई गेस्ट को अलाउ ही नहीं किया जाता है टू बी ये जो सारे इंसिडेंट थे दिस कॉज लॉर्ड ऑफ स्टर टू द शिप आपको पता है इंडिया में भी देर इज दिस पर्टिकुलर शिप वेलकम बैक एवरी वन टू एपिसोड ऑफ़ द दस इज अनफिल्ट पॉडकास्ट हमने लास्ट वीक शायद आपको कुछ मिला नहीं होगा क्योंकि हमने इंटेंशनली कुछ डाला नहीं क्योंकि देर इज़ एम टी वी डार्क स्क्रॉल फॉर यू टू वॉच अगर आपको नहीं पता देर इज़ अ शो दैट इज़ कमिंग अप ऑन एम टी वी ऑन जियो सिनेमा एट सेवन पी एम एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे बाय द एम एम टी वी डार्क स्क्रॉ यू कैन फाइंड द टू ऑफ अस एंड अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर शो जो कि काफ़ी नया है काफ़ी अलग है

लेकिन पहले नहीं किया है वी आर फाइंडिंग न्यू टॉपिक्स ट्राइंग टू कवर न्यू टॉपिक्स ना शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन घोशिप ना थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू आउट द ग्लोब बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जहाँ पर लोगों ने शिप्स को देखे हैं विच आर सेट टू बी हॉन्टेड कई साल पहले डूब गए होंगे एंड फिर दस बीस साल सौ साल बाद फिर से दिखने लगते हैं एंड पीपल हैव नो आइडिया के ये कैसे हो रहा है सो दे आर कॉल्ड घो शिप्स दे आर कॉल्ड शिप्स विच आर हॉन्टेड बाई घोस्ड बाई स्पिरिट्स एंड प्रॉब्ली बाई डीम्स आपको पता है इंडिया में भी देर इज दिस पर्टिकुलर शिप सिर्फ एक नहीं बहुत सारे हैं लेकिन दिस वन पर्टिकुलर शिप जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी इसमें आपने देखा होगा विक्की कौशल को यू नो ही वाज इन दैट मूवी भूत करके भूत पार्ट वन इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ शिप दैट वाज फाउंड इन ट्वेंटी अपने बॉम्बे के पोर्ट में लेकिन सिर्फ वो शिप के थ्रू इंस्पिरेशन नहीं लिया गया था उसके पहले भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ से इंस्पिरेशन लेके ये मूवी बनाई गई है एंड कहानियाँ बहुत तेज है बहुत क्रीपी हैं एक ऐसा शिप है जिसका नाम है आर एम एस सलूजा बोला जाता है उसको एंड इट वॉज़ अट्रीमर शिप दैट वॉज़ बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स Uh, you know, जब वो लोग रूल कर रहे थे इनिशियली इट यूज़ टू कैरी पैसेंजर्स फ्राम हिरंदर वो यहाँ से मद्रास से यू नो म्यांमार होके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को जाया करता था एंड इट यूज़ टू कैरी पैसेंजर्स एंड यूज़ टू कैरी क्या बोलते हैं सामान लगेज एंड एवरी थिंग फिर होता है वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर जब होता है तब ये शिप को कन्वर्ट किया कर, कर दिया जाता है फॉर वॉर वॉरपस वर्ल्ड पर्पसेस तो सारे जो ट्रुप्स होते थे सारे जो आ, क्या बोलते हैं ट्रिप के सामान होते थे इक्ुपमेंट होते थे वो ये शिप ट्रांसपोर्ट करता था लेकिन जब जब ये सी में जाता था सी इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल हम सबको पता है ओशन इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल हम सबको पता है एंड इट टू इनकाउंटर इट्स ओन टर्म्स हो गए हाईवेवस हो गए सब कुछ हो गया ऐसे ही एक केस हुआ जब इन द नाइनटीन द शिप इट मेट विद सम सीरियस स्टॉम सी स्टॉम आने लग गया एंड इतना जोरों का था शिप इतना जोरों का इधर से उधर हुआ कि इसके जो क्रू मेंबर्स थे जो पीपल ऑन बोर्ड दे काइंड ऑफ फ्लू अवे फ्लू अवे एज इन पानी में जाके गिर गए नीचे गिर गए एंड दे वे नेवर फाउंड ना ये इंसिडेंस इतना ज़्यादा खतरनाक था इतना ज़्यादा सीरियस था कि कितने लोग मरे उसका भी काउंट नहीं था बिकॉज पीपल जस्ट नॉट दे वर जस्ट फ्लाइंग बिकॉज ऑफ द स्टॉम एज ए रिजल्ट क्या हुआ उसके बाद से वो शिप जहाँ जहाँ जाती थी जो जो पानी क्रॉस करती थी लोग बोलते थे क्रू मम्बर्स बोलते थे कि वो पानी में उनको डेड बॉडीज दिखती थी उनको वही क्रू मम्बर्स दिखते थे जो कि उनके वेसल से गायब हो गए थे ड्यूरिंग द स्टॉम फिर आता नाइनटीन फिफ्टीज़ नाइनटीन फिफ्टीज़ में एक प्लेग हिट करता है ऑन द शिप जब वो शिप वॉयज में होती है एंड डिजीज़ होता है डिजीज जल्दी जल्दी स्प्रेड हो गया एंड जो लोअर डेक के जो क्रू मेम्बर थी वर द मोस्ट अफेक्टेड क्योंकि वो लोग ज़्यादा बाहर नहीं आ पाते थे बिकॉज ऑफ द वर्कलोड एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग मर गए एंड बिकॉज आप सी में होते हैं समंदर में होते हैं तो आपको प्रॉपर रिचुअल करने का मौका नहीं मिलता एज अ रिजल्ट उनके बॉडीज़ को भी फेंक दी जाती थी बट ये जो सारे इंसिडेंट्स थे दिस कॉज अ लॉट ऑफ स्टर टू द हॉन्टिंग्स ऑफ दिस शिप एंड जैसे ऐसे चीज़ें साल बढ़ते गए लोगों ने बहुत किस्म की चीज़ें देखना चालू कर दिया इनसाइड द शिप फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें इधर से उधर हिल रही थी अपने आप गायब हो रही थी अपारेशंस दिख रहे थे अजुब किस्म की आवाज़ें आती थी लोअर डेस्क जैसे कोई पेन में है कोई अभी भी बहुत परेशान है हेल्प के लिए मांग रहा है एंड द क्रू एंड एवरी वन यू शू जस्ट सी दम वेरी वेरी एंड हीयर दे वेरी वेरी क्लियरली अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द मोस्ट क्रीपियस थिंग ये होता था कि दे जो क्रू मेम्बर्स होते थे ऑफ द शिप वे आर फाउंड समटाइम्स वे आर फाउंड डेड बट विथ अ वेरी टेरिफाइंग एक्सप्रेशन ऑन देअ फेस लाइक दे हैव जस्ट फ्रोजन टू द डेथ एंड क्या देख के उनकी मौत हुई किसी का नहीं पता समाइम्स ऐसा भी होता था कि क्रू एंड पैसेंजर ऐसे ही गायब हो जाते थे लाइक बीच समंदर है शिप चल रहा है ना ना लैंड है ना कोई तरीका है निकल के जाने का लेकिन दे वुड जस्ट बी वैनिशिंग फ्रॉम नो वेयर एयर एंड उनके सामान होंगे सब कुछ होगा लेकिन वो पैसेंजर नहीं होगा वो क्रू नहीं होगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए बहुत सारे डेथ्स uh, हुए वहाँ पे स्पेशली दिस वन पर्टिकुलर सोल्जर जिसको बोलते हैं कि जो कि वहाँ पे ऑन बोर्ड थे ही जम्पट ऑफ फ्रॉम वन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ द शिप एंड ही डाइड एंड uh, उनकी भी स्परिट्स दिखती है uh, दिखी थी बहुत सारे क्रूबों में, में उसको ऐसा माना जाता है एंड फिर जब यू नो नाइनटीन सेवेंटीज़ के अराउंड फिर आस्ते आस्ते उसको डीकमिशन कर दिया गया एंड इट केम डाउन एंड इट वॉज डॉक्ट कॉम्युनिटी इन पर्टिकुलर प्लेस तब भी जब भी कोई टूरिस्ट उसके आस पास जाते थे दे ऑलवेज यूज़ टू सी दिस पर्टिकुलर यू नो लेडी वेयरिंग सम काइंड ऑफ साड़ी एंड जस्ट लुकिंग एट दम स्टेड इन टू दाइज एंड जब भी कोई उनको अप्रोच करने की कोशिश करता था द लेडी यूज़ टू जस्ट मैनिश More than that, everyone used to hear sounds and voices of pain coming from the ship. जैसे अभी भी कोई मदद के लिए बुला रहा है अभी भी कोई बहुत सारा पेन में है ऐसे सबको आवाज़ आती थी जो फिशरमैन रहते थे जो टूरिस्ट होते थे एवरी वन एवरी वन यूज टू हियर दिस थिंग्स एक पर्टिकुलर हॉन्टिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग हॉन्टिंग ये था कि दे मैनी ऑफ देम ऑल्सो सो अ मैन जो कि अपने मतलब कोई पुराने आर्मी यूनिफॉर्म में था जो कि पेट्रोल कर रहा होता है इन द शिप जो कि रात को दिन में सडनली दिख जाएगा लेकिन जब कोई उसके पास जाते थे या फिर उसको बुलाने की कोशिश करते थे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था एंड जस्ट वैनिश थिन एयर नाउ ये तो कहानी थी इंडिया में और एक शिप है जिसके बारे में ऑफकोर्स आप लोगों को भी पता होगा इज द इनफेमस आरएमएस आर एम एस क्वीन मैरी शिप जो कि फ़िलहाल लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में डॉक्ट है लेकिन अपने ज़माने में उसके ज़माने में दिस शिप वॉज सो लक्जरियस वॉज सो बिग सो ह्यूज सो ब्यूटिफुल कि इट यूज टू कम्पीट यू नो मतलब इट यूज़ टू एज इन के इट इट कुड कम्पीट विद आर एम एस टाइटेनिक इतना सुंदर था इतना लग्जरियस था कंस्ट्रक्शन अराउंड नाइनटीन थर्टी फोर एंड नाइनटीन थर्टी सिक्स के अराउंड वो अपने वॉइज में निकल गया इट यूज़ टू कैरी हॉलीवुड एलियस एक्टर्स पॉलिटिशियंस बड़े बड़े लोग वो सब वो शिप में जाते थे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब अटलान्टिक में जाता था बहुत सारे जगहों पर उसने कवर करा बट देन अगेन अनदर थिंगन विच इज़ वेरी सिमिलर टू अपना शिप इन इंडिया इज वर्ल्ड वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट होता है दिस शिप वॉज सडनली कन्वर्टेड टू एक ऐसा शिप जो कि पैसेंजर्स नॉट जस्ट पैसेंजर्स बट मिलट्री ट्रुप कैरी करता हो वेपनरी ये वो सब कैरी करने लग गया फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब एंड यू नो ए शिप जो कि वॉर में इन्वॉल्व हो डेथ्स तो बाई डिफॉल्ट हैं ही जैसे ये शिप को कन्वर्ट कर दिया गया फॉर द वॉर पर्पज इसको बोला गया द ग्रे घोस्ट क्योंकि उसकी कलर ऐसी थी कि वो पानी के साथ मैच हो जाता था एंड रिजल्ट इट यूज टू बी यू नो इट यूज इट सेल्फ एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज़ टू कैरी सिक्सटीन थाउजेंड सोल्जर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब बट सडनली एक अपने वॉयज में वो टकराता एक दूसरे शिप के साथ एज ए रिजल्ट तीन सौ से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है ऑन द शिप लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं आगे जाके जब ये शिप और बी वॉर में जाता है और भी जगहों पे जाता है तो अटैक्स होती हैं डेथ्स होता है एंड बहुत सारे मिस्टीरियस डिसरेंस भी होने लगते हैं इनसाइड द शिप अभी वॉर ख़त्म हो जाता है शिप गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल वे ऑफ यू नो वॉयज एंड कैरिंग आउट इट्स लग्जरियस पोपज बट इतने सारे डेथ होने के बाद हॉन्टिंग्स तो इनविटेबल ही है। हैं लोगों को बहुत सारी चीज़ें फी, फील फील होने लगती हैं लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है एंड तब ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट भी होता नहीं था बट फाइनली द शिप मेड इज़ फाइनल वॉयज टू लॉन्ग बिच कैलिफोर्निया वेर इट इज़ परमानेंटली डॉक्ट राइट नाउ इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड उसके बाद चालू होती हैं आर एम एस क्वीन मैरी की हॉन्टिंग्स की कहानियाँ मोर देन फिफ्टी रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हो चुकी हैं इन साइड आर एम एस क्वीन मैरी मैनी आर अन टाइमली डेथ्स मैनी आर मर्डर्स मैनी आर एक्सीडेंट्स एंड कुछ ना कुछ करके डेथ्स हुई हैं वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड कैबिन्स ऑफ द शिप इज कैबिन B340 थ्री फोटी एंड ये इतना ज़्यादा कृपी है कि कोई गेस्ट को अलाउ ही नहीं किया जाता है टू बी देर बिकॉज नॉब्स अपने आप वायलेंटली टू इस टर्नस होते हैं डोर्स अपने आप खुल जाती हैं बेड शीट के शक अपने आप निकल जाते हैं को कोई ऐसे कोई खींचतिया हो जो टैप के नली होते हैं जो नल होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं अपने आप बंद हो जाते हैं इट्स वेरी वेरी एग्रेसि वॉट एवर इज़ देअर इट इट डजेंट लाइक पीपल इन वहाँ पर एक पूल है जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है यू नो एंड वहाँ से एक एक छोटी बच्ची को देखा गया है जो कि टेडीवेयर पकड़ी हुई है जो कि वहाँ से निकल के आती है एंड शी गो समर कन्फर्म के इट इज़ एक्चुअली अ केट दे हैव फाउंड फुट प्रिंट्स ऑफ किड्स ऐसे गीले पैर जो होते हैं बच्चों के वो पुल्स के तरफ से दूसरे रूम्स के तरफ जाते हुए देखी गई हैं एंड दे हैव बिन डॉक्यूमेंटेड दे हैव बिन फुट प्रिंट्स एंड हैंड प्रिंट्स देट आर बिन डॉक्यूमेंटेड ऑन द शिप एज वेल एक पर्टिकुलर सीन हुआ था जहाँ पे एक एक अठारह uh, साल का सेलर अ क्रू मेंबर वाज देयर एंड उसके ऊपर एक बड़ा सा गेट गिर जाता है ड्यू टू सम एक्सीडेंट एंड ही डाइज वहाँ पे एंड ही इज टू सीन इन हिज ब्लू अटायर दैट ही वाज वेयरिंग व्हेन ही पास अवे एंड द मोस्ट कॉमन जो कि ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न कहानियाँ में होती हैं इज द प्रेजेंस ऑफ अ लेडी इन वाइट बट अ लॉट ऑफ अनकैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू शिप्स द शिप्स लूजा एंड एम इस मैरी बट ये सिर्फ इतने ही नहीं है दुनिया भर में बहुत सारे हैं शिप्स एंड उसके फैनमिना जो कि ये पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू टॉक सो ये थी हमारी कहानियाँ ऑफ द घोष्ट शिप्स इज वेरी फैसिनेटिंग क्योंकि अनलिस एंड अनटिल वी गो टू यू एस हमको शायद मौका मिलेगा क्योंकि इंडिया में तो सब तो यार मतलब सारे अच्छे हॉन्टेड लोकेशन हॉन्टेड शिप्स हॉन्टेड हॉस्पिटल apartments haunted churches haunted anything is just being demolished to create something there is no preservation of नहीं हॉन्टेड यहाँ पर डिमोलिश uh, ही कर देते हैं मतलब अगर हॉन्टेड है मतलब इसको नहीं रखना है इट्स नहीं वो नहीं रखना तो एक बात अलग है बट but... दैज इग्नोरेंट ऑल्सो क्योंकि अगर आप कोई जाॉ ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वॉचिंग या फिर अगर आपके पापा हैं आपके कोई रिलेटिव हैं वो इज इन टू कंस्ट्रक्शन वर्क लेट दम नो कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन ग्रेवियर हॉन्टेड बिल्डिंग्स हॉन्टेड हॉस्पिटल्स हॉन्टेड लैंड्स में बनती हैं इट इज़ नेवर गोइंग टू थ्राइव आपको वो एंटिटीज कभी थ्राइव नहीं करने देंगी एंड ये ये हमने देखा है बहुत सारे केसेस में लोग बना देते हैं घर आई आई थिंक वास्तु आप जैसे कंसिडर करते हो ये चीज़ भी इक्वली वैसा

मतलब आई मीन आई हैव शेयर्ड दिस लॉट ऑफ टाइम्स कि जैसे अगर मैं भी अपना इंडियोटिव एंड साइकिक सेंसेस लूँ तो वो पानी के आसपास एनहस हो जाती है सो वॉटर एनर्जी इन जनरल हैव मी तो अगर आप शिप्स वगैरह लो दे आर डेफिनेटली आई मीन इट इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी एंड अगर आप मतलब आई हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट टू डिग डीपर इन टू यू नो कि पानी क्या करता है वाई ड वाई डज़ वाटर एनहेंस थिंग्स या फिर पानी का क्या कनेक्शन है विथ द पैरानॉमल और सुपर नैचुरल और साइकिल तो मैं कर रही थी काफ़ी टाइम से यह रिसर्च कर रही हूँ एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली है मुझको लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल पानी वी वी नो दैट इट्स वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट कंडक्टर्स एनर्जी वन ऑफ द बेस्ट वे यू नो जिससे कंडक्ट होती है इज़ वाटर अदर देन दैट इट्स एन एम्पलीफायर वो आपकी साइकिक एबिलिटीज को एम्प्लीफाई करता है वो आपके इंट्यूशन को एम्प्लीफाई करता है वो पैरानॉर्मल मैनिफेस्टेशंस एंड स्पिरिट मैनिफेस्टेशंस को एम्पलीफाई करता है तो अगर इंटेलिजेंट हॉन्टिंग्स हुई वो पानी को यूज कर सकते हैं एज बैटरीज अदर देन दैट पानी होल्ड मेमोरी तो रेसिडुअल हॉन्टिंग्स भी यू नो इट चार्ज अपल हॉन्टिंग्स ऑल्सो

then ah. Uh, it's nothing better I, I read about some claims जहाँ पर उन्होंने claim किया है कि they have seen the flying Dutchman uh, and उस उनको help हुई है उससे hmm. and मैं ना और एक चीज मैं काफी dig कर रही थी like uh, of course मैं ये water energy in general like how it affects hauntings and this and that मैं काफी उस पर dig कर रही थी and I came across this uh, theory in quantum physics uh, it goes by the name ORC OR और yeah? ORC इट्स ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन एंड ये जो थ्योरी है ना इट इज अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट और यू नो टू जॉइन डॉट्स बिटवीन द रोल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द यूनिवर्स एंड ये थ्योरी के हिसाब से वाटर एलिमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कनेक्टिंग द कॉन्शियसनेस एंड इट्स कनेक्शन विद द यूनिवर्स तो अगर आप

इट्स वाटर रिलेटेड वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थियोरी एक्चुअली एक अभी एक बैठे बैठे मेरे को ख्याल आ रहा था कि टू ऑपोजिट मतलब पोलर ऑपोजिट डेमोग्राफीज नो डेमोग्राफीज जोग्राफीज आई एक्चुअली द मोस्ट हॉन्टेड ऑन दिस अर्थ उत्तराखंड the... <laughs> so. में, yeah. mm. में, <laughs> में इसीलिए हो रहा है क्योंकि उत्तराखण्ड में कहानियां ऐसी हिमाचल में है ऑल द हिल्स एनिवेर माउंटेन्स हिल्स इवन महाराष्ट्र में भी हमने इतने सारे जो करे इन्वेस्टिगेशन देर ऑल ऑन सम हिल स्टेशन

बट दे दर इज़ अनदर स्टोरी ऑफ अ शिप नाइनटीन फोर्टीज़ में अजीब सा नाम है क्या नाम है औरंग मैडान करके कुछ तो है हाँ औरंग मैडान यस औरंग मैडान करके है एस एस औरंग मैडान नाइनटीन फोर्टीज़ इट वॉज़ अनदर डच शिप जो कि जिसके क्रू मेंबर्स ऑलमोस्ट ऑल द क्रू मेंबर्स वेयर मतलब बेसिकली क्या होता है कि दे गॉट अ डिस्ट्रेस कॉल नाइनटीन में जो बैठे रहते हैं वहाँ पर सम समन हैज़ डाइड ऑन द शिप जो कुछ भी है नियर बाई शिप्स में कोई तो मर गया है तो ये लोग जाते हैं बाकी जो क्रू होता है जिस जिनको डिस्ट्रेस कॉल आता है वो जाके देखते हैं तो शिप के अंदर के सारे क्रू मेम्बर्स हैव फ्रोजन टू डेथ इन इन अ हैंड पोजिशन जैसे कि देवर सेविंग देम सेल्फ फ्रॉम सम और देवर लाइक स्केयर्ड ऑफ समथिंग एंड इट इज़ सो similar एंड मैं वही बता रहा हूँ कि इसलिए मैंने जब एंड भी करा नरेशन सिंह के देर इज़ एन अनकैनी सिमिलैरिटी बिटवीन जो इंडिया में सलूजा के साथ हुआ एंड जो यहाँ mm. पे हुआ पीपल आर डाइंग यू नो फ्रोजन ऐसा लाइक यू नो लाइक इन दैट वन एक्सप्रेशन दे आर डाइंग एंड मस्ट बी टेरीफाइन टू सी दैट डिस्ट्रेसिंग कॉल के साथ अब जाइ पहुँचती हूँ एवरी वन इज़ डेड आई एम जस्ट वॉन्डरिंग के यू नो लाइक सिंस यू टुक द नेम ऑफ दैट थियोरी एंड दैट

मल्टीफोल्ड हो जाता होगा। रिजल्ट दे आर आर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स दिस दिस मच एंड द रीजन आई एम नॉट डाइसेक्टिंग और डिबंकिंग के के में, में. लेकिन एक, मुझे ना एक चीज बहुत uh, इंट्रीक क्या करती है इस कि है ये जो, शिप्स हैं जो अभी तू बता रहा है एंड लॉट ऑफ अदर शिप्स डेट वी हैड अबाउट देके मतलब रैक्स वगैरह मिले हैं डेबरी मिला है बट देर है कोई रैक नहीं मिला है huh. कोई डेबरी नहीं मिला है नथिंग रिमेनिंग ऐसे नौ शिप्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड एटीन सेवेंटीज टू द प्रेजेंट डेट देर आर नाइन शिप्स जिसका कुछ रैक नहीं मिला है जिसमें से एक इंडियन बॉम्बे के ऑफशोर में इट वाज लाइक यू नो शायद वहीं पर uh, वो सिंक हुई थी वाज बॉम्बे परिटवीन गुजरात में कहीं पे between, I mean, to हाँ, के बीच वो ही, मतलब हाँ। इंडिया के ही ऑफ शोर में इसका कोई रैक नहीं मिला है एंड देर आर नाइन सच शिप्स सो आई वंडर की ये, डॉक्यूमेंटेड एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेड बट पता नहीं आई मीन इट्स मैंने इसके बारे में भी रिसर्च किया कि क्या हो सकता है वॉट कुड बी द रीजन दैट देर वॉज नथिंग फाउंड एंड मुझे ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी थियोरी मिली विच वॉज शेयर

उन्होंने ये बताया दैट जो एशियन सिविलाइजेशंस थी ना लाइक द एटलांट लमोरिया कुमारी कंडम वगैरह दे यूज टू हैव अ दे यूज टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मतलब वो तो बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी वे मोर एडवास देन अस तो ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स uh, करते थे एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट दे दे वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन वर्स टाइम ट्रेवल एंड वो टाइम ट्रैवल के एक्सपेरिमेंट के टाइम के फॉर द फॉर द एक्सपेरिमेंट दे हैड क्रिएटेड सम ह्यूज मशीन्स विच यूज टू रेडिएट सम काइंड ऑफ फ्रीकुंसी सम काइंड ऑफ एनर्जी मतलब बेसिकली आई थिंक अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ तो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, फील्ड या फिर एक ऐसी रेडिएशन क्रिएट कर रहे थे विच कुड बेंड टाइम एंड स्पेस एंड वुड हेल्प इन टाइम ट्रेवल तो जब ये इंशियन सिविलाइजेशन सिंक हुई these machines sank so according to her they are still there deep down inside and creating and, anomalies haan, and they are, are probably still uh, like you know kuch radiations but they play a very important role in the disappearance of things whether it's ships or planes and this is what she explained about the bermuda triangle सो hmm. so, अब यहाँ पर भी बर्मना ट्रायंगल के आसपास कुछ हुआ होगा बट अगर आप बाकी भी सिविलाइजेशंस देखो एंशियंट सिविलाइजेशंस कुमारी कंडम तो इंडिया के ही अराउंड hmm. था तो अगर वो लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो क्या पता अंदर नीचे क्या-क्या है वेट दैट्स व्हाट इट्स इट सेड नो के इट्स वेरी सुपर undiscovered द ओशियन बेड फॉर एग्जांपल और एक शिप था ऑक्टेवियस करके बेचारा आई थिंक वन ऑफ द सैडेस्ट स्टोरीज वहां पे व्हेन द

और समन इज यू नो काइंड ऑफ लाइक इज टू शिप मतलब वो जो स्टीयर mm. करने को वो वैसे ही पकड़ के गया oh God, करके oh God. Deaths, right. तो पानी तो मतलब ट्रिगर करता ही है एक्टिविटी फॉर श्योर बट आई थिंक वी मेक अ ट्रिप टू द एस आई थिंक यू में भी ऐसा कुछ शिप्स हैं जहाँ पे हॉटिंग्स हैं अभी भी आई थिंक वी शुड इन्वेस्टिगेट

बट जब हम इन्वेस्टिगेट करके आए ओ oh, हाँ, ओ oh, शिट हमारी क्रू oh, हाँ. की कार खड़ी थी एंड देर वेर फुटप्रिंट्स ऑफ अ स्मॉल बेबी स्मॉल बेबी एंड वो मतलब कि इतने छोटे ऑन द विंडशील्ड और वो इतना छोटा फुट, इतने छोटे फुटप्रिंट्स थे कि ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा अभी चल भी नहीं सकता है एंड जहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी आ, कोई बच्चा नहीं था बच्चा क्या कोई इंसान नहीं था मतलब तो फॉरेस्ट लोग जाते नहीं है क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में देर आर यू नो टाइगर्स एंड लेपर्स एंड वाइल्ड लाइफ बहुत फ्रूटफुल है वहाँ पे एज ए रिजल्ट कोई नहीं जाता एंड गाड़ी वहाँ पे तीन गाड़ियाँ थी तीनों गाड़ियों में कुछ नहीं एक्सेप्ट दैट वन कार And देखना तो फोटो मांगना अगर मिलती हाँ, है तो जस्ट पुट इट या या दैट दैट वाज वन क्रेजी एक्सपीरियंस एंड ऐसा था कि ऐसे कि

या yeah, वो परमिशन के इश्यूज़ के वजह से वो जगह नहीं हो पाई अदरवाइज इट हैव बिन अ ग्रेट लोकेशन फॉर द शो बट या आई थिंक अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा पहला uh, location, लोकेशन लंबी देर माइंड अपना दूसरा लोकेशन क्रेजी है तीसरा भी क्रेजी है द एंटायर शो इज़ क्रेजी आप या uh, yeah, आप देखो यार एंड प्लीज़ डू वॉच इट्स 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 लाइक एंड ऑफ आर यू नो बहुत बहुत हमने जी जान लगाया है बहुत uh, बहुत इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी से बनाई है हमने थैंकफुल टू द क्रू थैंकफुल टू द पीपल हु वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग एन एक्सक्लूसिव डार्क स्क्रोल पॉडकास्ट वेर वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नी देखेंगे आगे जाके कैसा है क्या नहीं है बट दैट्स इट फॉर नाउ यू नो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू अगेन दिस विल बी अवेलेबल वन डे प्रायर दैट इज ऑन फ्राइडे ऑन स्पॉटिफाई सैटरडे को वीडियो मिल जाएगा बट डो नोट फॉरगेट एम टी वी डार्क स्क्रॉल एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑन जियो सिनेमा 7 and अगर आपने देखा है टू लेट इस नो एन दमेंट सेक्शन की आपका फेवरेट सीकेर कौन है, है